मेरे नाल ने डॉक्टर बलजीत कौर समाजिक न्याय मंत्री मेरे कैबिनेट कलीग आज बड़े एक अहम मुद्दे के उत्ते तुहानू सारयां नू सद्दिया गा कि पंजाब दे अंदर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम जिहड़ी आ वो 2012-13 तो लैके पंजाब दे अंदर होंद विच आई 2012-13 तो लैके पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम सी जिहड़ी वो पंजाब दे अंदर उस तो लैके लगातार काम कर रही आ और उस समय 2012-13 के दौरान पंजाब के अंदर श्रोमणी अकाली दल ते बीजेपी की सरकार सी भारतीय जनता पार्टी ते अकाली दल की सरकार सी जमे जिस समय स्कीम जिहड़ी आ देश दे विच लागू होई और पंजाब इहदा हिस्सा बनिया और 60-40 दी रेशो दे नाल स्कीम जिहड़ी आ उस समय लागू हुई। उस समय भी बड़े बड़े इल्जाम उस समय के मंत्रियों के उत्ते उस समय की अकाली दल बीजेपी सरकार के उत्ते लगे और जदों 2017 दे विच पंजाब विधानसभा की इलैक्शन हो रही सी आम आदमी पार्टी ने 2017 दे विच पहली बार पंजाब विधानसभा की इलैक्शन कंटेस्ट की सी उस समय भी पंजाब दे अंदर कांग्रेस पार्टी ने बड़े लैवल दे उत्ते पंजाब च ये प्रचार किया सीगा कि अकाली दल बीजेपी ने एक बड़ा स्कैम एक बड़ा कपड़ा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम दे अधीन पंजाब दे लखां ही शड्यूल कास्ट शड्यूल ट्राइब्स पंजाब दे दलित बच्चों के नाल अकाली दल बीजेपी ने किया गा। सत्ता में आउंदे ही जदों कांग्रेस पार्टी 2017 दे विच सत्ता में आई तो सत्ता में आउंदिया ही जिहड़ी आ उह सारे मुद्दे नूं भुल गई और पंजाब की विधानसभा के अंदर तुसीं सारयां ने कवर किया देखिया कि पंजाब विधानसभा के अंदर जदों कांग्रेस पार्टी 2012 तो 2017 तक आपोजिशन के अधीन सी उस समय बड़े बड़े बैनर लैके कांग्रेस पार्टी जिहड़ी आ उह लगातार प्रोटेस्ट करती सी कि स्कॉलरशिप स्कैम होया कपड़ा होया दलित बच्चों के नाल एससी बच्चों के नाल शड्यूल कास्ट बच्चों के नाल उन्हां दी पढ़ाई दे नाल बहुत बड़ा खिलवाड़ किया गया उन्हां नूं पढ़ाई तो बांझे रखा गया पर लेकिन जदों 2017 च आप सत्ता दे विच आए तो उस समय ऑडिट ऑडिट की गेम शुरू हुई कि असीं ऑडिट करावांगे जिहड़े दोषी होणगे उन्हां दे खिलाफ कार्रवाई की जाऊगी। यह गल जिहड़ी आ बड़े पद्धर दे उत्ते पंजाब दी विधानसभा दे अंदर भी असी भी देखी क्योंकि 2017 दे विच असी पंजाब विधानसभा च मैंबर सीगे आम आदमी पार्टी आपोजिशन दे विच सी असी इह सवाल जिहड़े सी पंजाब विधानसभा दे अंदर कैप्टन साहब तो उस समय दे मुख्यमंत्री और उस बाद चन्नी साहब तो और उस समय दे मिनिस्टर साधु सिंह धर्मसोत तो भी लगातार असी इह सवाल पुछदे सीगे कि पंजाब दे अंदर इहदी जांच कदों होगी पंजाब दे अंदर जिहड़ा पंजाब दे लखां ही विद्यार्थियों दे नाल धोखा होया गा पंजाब दे शड्यूल कास्ट जिहड़ी मैं समझदा पंजाब दी इक बड़ा हिस्सा आबादी का 32% तो उपर पापूलेशन दे बच्चों दे नाल उन्हां दी पढ़ाई दे नाल उन्हां दे भविख दे नाल खिलवाड़ होया गा उन्हूं कदों इना जिहड़ा इंसाफ मिलूगा उन्हां बच्चों नूं पर लेकिन लगातार लारे लाउंदे लाउंदिआं कैप्टन साहब की सरकार ने कांग्रेस पार्टी की सरकार ने उस समय खुद एक बड़ा कपड़ा किया उस समय जिन्ना जिहड़े कॉलेजां तों जिहड़े कॉलेजां तों जिहड़ी इंस्टीट्यूशनां तों पैसे रिकवर करने सी ऑडिट दे जिहड़े ऑडिट दे उन्होंने खिलाफ निकलते सी पैसे उन्हां कॉलेजां नूं दुबारा रिलीफ दे के री ऑडिट दे नां दे उत्ते कि दुबारा ऑडिट करवा रहेंगे री ऑडिट दे नां दे उत्ते उन्हां नूं पैसे मोड़ दिते गए यानी कि उन्होंने तो पैसे लैण की बजाय जिहड़ी रिकवरी उन्हां वल बनती सी जिहड़े ज़्यादा पैसे लै चुके सी बनती सी उन्हां नूं दुबारा जिहड़ा पैसे वापस कर दिते गए एक बड़ा स्कैम होया। कृपा शंकर सरोज जी ने इहदे ते जिहड़ी आ डिटेल दे विच इनकुआरी भी की मैं ज़्यादा क्योंकि डिटेल दे विच डॉक्टर बलजीत जी दसणगे मैं सिर्फ तो सिर्फ अज इस गल लई तुहानूं दस रहा गा कि जदों इह स्कीम जिहड़ी आ कांग्रेस पार्टी दे राज दे समय कांग्रेस पार्टी दे राज दे समय 2017 तों लै के 2020 तक इह स्कीम पंजाब दे अंदर बंद रही 2017 तो लैके 2020 तक कांग्रेस पार्टी के राज समय पोस्ट मैट्रिक स्कॉलर स्कीम स्कॉलरशिप स्कीम जिहड़ी आ वो पंजाब के अंदर बंद रही
और लगभग इस समय दौरान 9,05,340 विद्यार्थियों ने जिहड़े शेड्यूल कास्ट सी, जिहड़े दलित सी, जिहड़े गरीब सी, जिन्हां नूं स्कॉलरशिप मिलना सीगा, जिहदे पर 60 पैसे सेंटर सरकार ने देने सी और 40 पैसे पंजाब सरकार ने देने सीगे, 60-40 रेशो वाली स्कीम जिहड़ी आ उहदे तों 9,05,340 विद्यार्थियों नूं स्कॉलरशिप नहीं मिलिया। एक कांग्रेस पार्टी की सरकार समय होया और उस तो बाद दोबारा यह स्कीम लागू की गई, जो तो दोबारा लागू हुई तो उस समय सिर्फ तो सिर्फ 1,95,156 विद्यार्थियों ने सिर्फ दोबारा इस स्कीम का लाभ उठाने लिए अपने आप को अप्लाई किया। किन्ने 1,95,156, क्योंकि बच्चों का, गरीब बच्चों का, दलित बच्चों का विश्वास उठ गया, शेड्यूल कास्ट बच्चों का विश्वास उठ गया, क्योंकि लगातार चाहे कांग्रेस पार्टी आ, चाहे बीजेपी आ, चाहे अकाली दल आ, लगातार दलित बच्चों के नाल, गरीब बच्चों के नाल धोखा करके पहला सबजवाब दिखा के कि जो तो सत्ता च आ गए तो बच्चों नूं अच्छी पढ़ाई देवांगे, अच्छी एजुकेशन देवांगे, स्कॉलरशिप देवांगे, और सत्ता बचाउण तो बाद उन्होंने खिलवाड़ करते रहे, उन्होंने भावनावां दे नाल खेडते रहे, उन्होंने बच्चों का स्कॉलरशिप खाते रहे। पहली बार होया गा कि सरदार भगवंत सिंह मान जी, मानयोग मुख्यमंत्री साहब, एक ईमानदार सरकार आउण तो बाद पंजाब के दलित विद्यार्थियों ने एक बार फिर इस स्कीम के अंदर वड्डी पद्धर दे उत्ते पहली बार अप्लाई किया गया। हुण तक इस स्कीम का जिहड़ा पोर्टल आ खुल्ला गा, अज तक स्कीम चल रही आ। पहली बार हैगा कि 2,46,726 जिहड़े शेड्यूल कास्ट बच्चे ने उन्होंने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के अधीन, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के अधीन अपने आप को रजिस्टर करवाया गा। हालांकि स्कीम जिहड़ी आ वो 31 मार्च तक चलनी आ, 31 मार्च तक स्कीम चलनी है। तो हुण तक इस पोर्टल के अधीन 2,46,700 बच्चों ने दाखला लेना। इस गल का सबूत आ कि पंजाब के गरीब वर्ग ने संबंधित लोग, पंजाब के SC ST बच्चे, दलित बच्चे, उन्हों का विश्वास जोड़ा है होर पक्का होगा कि पंजाब के अंदर एक ईमानदार सरकार काम कर रही है कि साडा स्कॉलरशिप मिलेगा, साडे बच्चे पढ़ाई करेंगे। ये पहली बार हुआ नहीं, पिछले साल 1,95,000 ने किया, यानी कि डिकलाइन हो गया सीगा 2015-16 के मुकाबले, कितना बुरी तरह डिकलाइन होया गा तुसी जाके देख लो कि 1,95,000 हुण दोबारा फिर जिहड़ा हैगा 2,46,000 का अंकड़ा पार कर गया। हले स्कीम का टाइम जिहड़ा हैगा वह रहिंदा गा, सो लगभग 3 लाख नूं जिहड़ा हैगा क्रॉस करूगा। तो इत्थों पता लगदा गा कि पंजाब दे अंदर एक ईमानदार, एक कट्टड़ ईमानदार सरकार काम कर रही है सरदार भगवंत सिंह मान जी की अगवाई के अधीन। सो हुण मैं बेनती करूँगा डॉक्टर बलजीत कौर जी नूं कि जिहड़े कुछ अधिकारी डिसमिस किए गए हैं या स्कैम होया सीगा उस दे संबंधित कुछ फैक्ट जिहड़े ने गे वो तुहाडे नाल साझे करनगे डॉक्टर बलजीत जी। जो उस समय की सरकार ने ऑडिट किया सी, उस समय जिन्हां कॉलेजां दे विच्चों रिकवरी करनी बनती सी उस नूं रिकवरी करन दी बजाए उन्हां ही कॉलेजां दा दोबारा री ऑडिट कर दिता गया, जबकि री ऑडिट करना उन्हां कॉलेजां दा बनता सी जिन्हां दा ऑडिट पहलां नहीं होया सी। सो जिहड़े कॉलेजां दी देणदारी सी, जिन्हां ने सरकार नूं पैसा वापस करना सी, उन्हां दा री ऑडिट करके उन्हां नूं दोबारा पैसा दे दिता गया। सो यह पिक एंड चूज मैथड अपनाया गया, कुछ इंस्टीट्यूशनस कुछ कॉलेजां नाल मिल के यह करोड़ों का घपला किया गया, जिदे विच बहुत सारे बच्चे जिहड़े के जिन्हां दा यह हक सी वह इस हक तो वांझे रह गए। बहुत सारे साढ़े OBC बच्चे जिन्हां नूं यह स्कॉलरशिप ही नहीं मिलिया इस घपले करके, वह इस हक तो वांझे रह गए। और हुण तक पूरे साल दौरान
मैनू वख-वख कॉलेजां तों शिकायतां प्राप्त हुंदियां रहियां कि बच्चियां नूं डिग्रियां नहीं दित्तियां जा रहियां क्योंकि उन्हां दे पैसे नहीं मिले सी, उन्हां दे स्कॉलरशिप नहीं गए सी। सो ये सारी जिहड़ी त्रासदी साढ़े बच्चियां ने इस समय दौरान भुगती, सो इस नूं अंजाम तक लिआउण लई काफ़ी मेहनत करनी पई। जिहड़ा उस समय डिसबर्समेंट का घोटाला सामने आया उहदे विच इह सी कि 55 करोड़ ਦਾ ਡਿਸਬਰਸਮੈਂਟ ਘੁਟਾਲਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ 16 ਕਰੋੜ ਦੀ ਉਹ ਰਕਮ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਗਏ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਰਿਕਵਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਔਰ 39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਸੀ, ਗੋਸਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ, 6 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਏ ਸੀ, 2 ਫਾਈਨੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ, 4 ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ। ਸੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ACS ਸੀ ਕਿਰਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਰੋਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, CS ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਈ। ਬਾਂਸਲ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ। ਮੈਡਮ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ 60 ਕਰੋੜ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਕੈਮ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 39 ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਰਿਕਵਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ 109 ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਲੈਕਲਿਸਟਡ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ 19 ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਕਿਵੇਂ ਘੱਟ ਗਏ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ 109 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਮਾਊਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਘਟਾ ਘਟਾ ਕੇ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ 9 ਕਾਲਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ, ਪਰ 34 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹਜੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।